उस पर भरोसा है कि मुझे उसमें न्याय मिलेगा। और रही बात कि सिपाही के साथ, दोषी पक्ष के साथ के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसके मामले में मेरा यही कहना है कि मामले को अधिकारी अपने संज्ञान में लें। और पुलिस विभाग से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, निर्मम हत्या हुई है मेरे पति की, जो कि बिल्कुल ही बेकसूर आदमी थे। मुझे न्याय चाहिए इसमें, बस मेरी यही ये अपील जो है। पट्टी बांध करके कर रहे हैं सिपाही, उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते इन्होंने हैं? अपील कर दी है कि उच्च मैंने बोला अधिकारी ना कि संज्ञान उच्च में अधिकारी मामले को संज्ञान में ले, नहीं सही मानती हूँ मैं, इसीलिए बोल रही हूँ ना कि इस मामले को उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में ले, नहीं होना चाहिए ये सब, जिसने ना हत्या की होने है दें। उसको कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? मैम सीबीआई जांच की याचिका जो इसीलिए लोग मैं कर रहे बार हैं, बार अपील कर रही हूँ ना कि अन्याय हुआ है न्याय मिले, बस। मैम सीबीआई जांच की याचिका जो कैंसिल कर दी गई है, खारिज कर दी है, क्या बोलना चाहेंगे? दोबारा करेंगे आप। तो विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी मीडिया से